हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट में केस स्टेटस कैसे देखते हैं और केस का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सिविल कोर्ट में काउज लिस्ट कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल के पेज पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सिंपली है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका एक वेबसाइट है, वेबसाइट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वेबसाइट पे, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जो लिंक दिया है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और वो खुल जाएगा, ठीक है। ये पेज खुल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये लिंक आपको, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लिक करके आप देख सकते हैं। पहला पेज जो आएगा ये कुछ इस तरह का आपको दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ठीक है, आप भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप केस स्टेटस के साथ साथ काउज लिस्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। केस स्टेटस निकालना है तो आपके पास केस नंबर होना ज़रूरी है। केस नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, पिटिशनर का नंबर नाम होना चाहिए। चलिए पिटिशनर का नाम भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास FIR नंबर होना चाहिए, तो ऐसे आप केस स्टेटस निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें काउज लिस्ट की, तो काउज लिस्ट भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो किसी श्रीमान ने मुझसे पूछा था कि सर दिल्ली का काउज लिस्ट चेक करके बताइए, तो ठीक है मैं आपको दिल्ली का ही काउज लिस्ट चेक करके सबसे पहले बताता हूँ। तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आते हैं अगर हम बात करते हैं, मैं ये चुन ले रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं भी कोई भी सिविल कोर्ट आप चुन सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी सिविल कोर्ट आप चुन सकते हैं। मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पेज पे आने पर आपको कुछ इसी तरह का पेज दिखाई देता है, जहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ऐसे तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको ये सर्विसेज हैं, यहाँ पे आपको देख रहा है ये केस स्टेटस है, यहाँ से आप केस स्टेटस निकाल सकते हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर आप देख सकते हैं, और ये काउज लिस्ट। सबसे पहले मैं आपको काउज लिस्ट चेक करके दिखाता हूँ, काउज लिस्ट कैसे चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपको काउज लिस्ट पर क्लिक कर देना है। काउज लिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का खुल जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये एक होता है कोर्ट कॉम्प्लेक्स, एक होता है कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि वो सारे कोर्ट जो आ गए, जो इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोर्ट हैं, कहने का मतलब अब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो एक ही कोर्ट होता है, तो आप कहेंगे कि अलग अलग कैसे हुआ। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ना देखते होंगे कि कोई अलग अलग सेपरेट होता है, कोई होते हैं SC ST का केस होता है, कोई एक्साइज एक्ट होता है, तो इस तरह से अगर देखते हैं तो कोई आपका सिर्फ बाल अपराध और बाल शोषण को देखता है, कोई मैट्रिमोनियल केसेस देखते हैं, तो ये आपको कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, अगर आप मान लेते हैं ये क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आपका लिस्ट खुल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं कहूँगा कि आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स पे क्लिक कर लें। कोर्ट कॉम्प्लेक्स पे करने के बाद आप रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। आपका जो भी कोर्ट होगा आप वही कोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट है, अब ये देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोर्ट है, ठीक है। तो काउज लिस्ट अगर आपको निकालना है तो सब जजेस के अलग अलग काउज लिस्ट होंगे, यहाँ पे हर जजेस के अपने अपने काउज लिस्ट बनते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका केस जो है किस जज के पास है, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से केस स्टेटस निकाल सकते हैं, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। मान लेते हैं कि मेरा कोई केस ऑनरेबल जज मिस प्रीति अग्रवाल गुप्ता के यहाँ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया इनका नाम। अब ये मुझे देखना है कि 8 तारीख यानी कि आज 8 अप्रैल को इनके कोर्ट में कौन कौन केस की सुनवाई होने वाली है। मैं यहाँ पे लिस्ट पे आ गया और ये कुछ कैप्चा कोड दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मुझे यहाँ पे लिखना होगा BYN9FH। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, मुझे सिविल केस देखना होगा तो सिविल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको क्रिमिनल से रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल मिसलिनियस देखना है, बेल वगैरह देखना है, तो आप क्रिमिनल पे करेंगे। अगर आपका कोई फैमिली मैटर है तो मैट्रिमोनियल केस है तो आप सिविल पे देख सकते हैं, अदरवाइज क्रिमिनल पे करें। अगर आपका लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप सिविल देखेंगे, अदरवाइज क्रिमिनल पे क्लिक। मैं क्रिमिनल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्रिमिनल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि इनकी काउज लिस्ट में आज 4 केसेस हैं, बेल मैटर्स हैं, ठीक
ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस पैंडेमिक में, इस कोविड के समय, सिर्फ अर्जेंट केस यानी कि रिमांड वाले जो केस होते हैं यानी कि बेल के केसेस होते हैं उसकी सुनवाई नहीं रुकती है, तो बेल के केसेस चालू रहते हैं। तो बेल मैटर इनके कोर्ट में है, तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा बेल मैटर के बाद ये कुछ नंबर है, ये नंबर को आप ज़रूर और नोट कर ले। मान लेते हैं स्टेट वर्सेज रवि शर्मा का सुनवाई होने वाला है आज, तो इनका एक केस नंबर हो जाएगा 1498/2021। इसी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपके केस का डिटेल सारा आपको मिल जाता है, ठीक है। चूँकि इसकी आज सुनवाई है, पहली सुनवाई है, तो यहाँ पे ऑर्डर आपको नहीं दिख रहा है। सुनवाई के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर भी दिखाई देने लगेंगे, तो आप ऑर्डर भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात कि आप कैसे काउज लिस्ट चेक करते हैं, अब मैं आपको केस स्टेटस चेक करने सिखाता हूँ। तो चलिए वापस शुरू करते हैं, फिर से मैं गूगल पे आऊँगा, ठीक है। गूगल पे आकर के फिर से हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से किए थे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखना होता है, सर्च करना होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लिक करते ही आपके पास ये पेज आता है, यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप भारत के किसी भी राज्य के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, किसी भी सिविल कोर्ट में आप अपना केस स्टेटस देख सकते हैं। तो चलिए केस स्टेटस देखना है मुझे, तो दिल्ली में तो हम देखेंगे, चलिए बिहार से क्यों ना शुरुआत करें। बिहार से अगर हम ले लेते हैं, पटना नहीं लेंगे, दरभंगा, चलिए मुजफ्फरपुर लेते हैं। मुजफ्फरपुर मैंने ले लिया। आपका कोई केस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट का आप क्लिक करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे, देखिए ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बांका, तो आप बांका लिखेंगे। गया पड़ता है तो गया, जमुई, जहानाबाद, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप यहाँ से लिस्ट देख करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया मुजफ्फरपुर का वेबसाइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आ चुका है मेरे सामने। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, सर्विसेज पे आना है और केस स्टेटस मुझे चेक करना है। केस स्टेटस में ही आपको कोर्ट का ऑर्डर भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर मैं आपको केस स्टेटस से ही निकाल करके दिखाऊंगा, ध्यान से सीखिएगा। केस स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही मान लेते हैं आपके पास केस नंबर मालूम है, तो आप केस नंबर से सर्च करें। या ध्यान रखें, हाई कोर्ट का अलग केस नंबर होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अलग केस नंबर होता है, ठीक है। FIR नंबर बदलता नहीं है, FIR नंबर प्राथमिकी संख्या सेम रहता है, तो अगर आपको प्राथमिकी संख्या मालूम है तो उससे भी आप केस स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मुझे FIR नंबर नहीं मालूम है, केस नंबर मुझे मालूम है, ठीक है। तो केस नंबर पे आप क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप केस नंबर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट जो खुल जाता है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स और कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। मैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स ही रहने दूंगा। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपको चुनना है, मान लेते हैं आप चुनते हैं मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट, ठीक है, या वेस्ट सिविल कोर्ट पड़ता है तो वेस्ट लिखिए, ठीक है। मैं मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट किया, ठीक है, मेरा केस यहाँ पे है, मान लेते हैं। केस टाइप पूछता है, केस टाइप मतलब आपका केस किस प्रकार का है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस में भी ऑप्शन होते हैं। क्रिमिनल केसेस ज़्यादातर क्रिमिनल मिसलिनियस के नाम से लिखा रहता है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कौन सा केस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल भी है, क्लेम केस भी है, कॉमर्शियल केस, तो आपको मालूम होना चाहिए आपका केस कौन सा टाइप का है। तो जब भी मैं आपको कमेंट में पूछूं केस का टाइप, तो आप केस का टाइप ज़रूर बताएं, एंटिसिपेटरी है, क्लेम केस है, क्या है, नहीं है, ठीक है, केस नंबर के साथ। तो ये तो रही बात, चलिए मैं आपको क्रिमिनल मिसलेनियस दिखाता हूँ। ये क्रिमिनल मिसलेनियस जिसमें रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल दोनों आते हैं। क्रिमिनल केस पर मैंने क्लिक किया, केस नंबर मान लेते हैं मेरा केस नंबर, आपका अपना केस नंबर हो सकता है, मेरा केस नंबर है 14, ठीक है। ईयर है मेरा 2021, 2021 का मैं अपना देख रहा हूँ। ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है ये वाला, इसी को मैं लिखूँगा TD227A। लिख लेने के बाद आपको गो पर क्लिक करना है, इस वाले बटन पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये जो केस नंबर आपका, केस नंबर आपने जो दायर किया है वो नीचे खुल जाता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा केस नंबर यहाँ पे आ चुका है। मैं इस व्यू बटन पे क्लिक करूँगा, ये जो व्यू बटन है इस पे आपको दबा देना है। जैसे आप व्यू बटन पे आप दबाते हैं, आपके सामने, जी हाँ, केस स्टेटस खुल जाती है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, केस स्टेटस है। फर्स्ट हियरिंग कब हुई थी, 23 फरवरी को, सेकेंड
और डिसीजन डेट, डिसीजन इसका फाइनल डिसीजन हुआ 2 मार्च 2021 को, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताया था कि मैं आपको केस का ऑर्डर भी निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये केस देख रहे हैं, इस दिन हियरिंग हुई थी, सेकेंड हियरिंग 27 फरवरी को हुई थी, थर्ड हियरिंग जो हुई थी 2 मार्च को हुई थी, उसके बाद जो है 2 मार्च को ही डिस्पोज्ड हो गया केस। अब इसका ऑर्डर आप यहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर आप फाइनल ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फाइनल ऑर्डर देख रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, फाइनल ऑर्डर आपके सामने डाउनलोड होकर के ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये रही फाइनल ऑर्डर आपके सामने, आप यहाँ से ऑर्डर की कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप केस स्टेटस देख सकते हैं, साथ ही साथ आपने सीखा कि आपको अपने केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप केस स्टेटस भी देख सकते हैं, और केस स्टेटस से आपको आपका केस का ऑर्डर भी मिल जाता है, बशर्ते आपको केस नंबर मालूम होना चाहिए। FIR नंबर मालूम है तो FIR नंबर से खोज लेंगे, ठीक है। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको FIR नंबर से भी खोज करके बताऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में ज़रूर मुझसे पूछें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।